गुड मॉर्निंग क्लास। सो यस्टरडे वी वर रीडिंग स्लो एंड फास्ट मोशन। कल हमने कवर किया था स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच टाइम इज मोर, द मोशन इन विच द टाइम चेंज इज मोर, दैट विल बी स्लो मोशन, एंड इफ द टाइम इज लेस दैट विल बी फास्ट मोशन। Today we will read speed. Speed. It can be defined. It can be defined as the distance covered in bracket traveled per unit time। इसका मतलब किसी भी टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितनी दूर जाता है, दैट विल बी नोन एज स्पीड। स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। Units, there are two units, first will be kilometer per hour, second will be meter per second. This unit is known as bigger unit of speed and this is known as smaller unit of speed. आपको ध्यान देना है हमारी यूनिट सिर्फ दो होती है, किलोमीटर आवर, मीटर पर सेकेंड। आपको मिनट के लिए कोई यूनिट नहीं है। सो कॉपी दी गई लेट्स सी सम एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर वन, इफ डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर एंड टाइम इज 5 आवर्स, कैलकुलेट स्पीड। डिस्टेंस क्या हुआ है? 20 किलोमीटर, टाइम क्या हुआ? 5 आवर्स स्पीड पूछा गया। So we will write down solution. Distance, sorry, speed is equal to distance upon time. How much distance given? 20 kilometer. Time is given 5 hours. Divided by you will get 4 kilometer per hour. Units का ध्यान रखना है। क्या दिया हुआ? किलोमीटर एंड आवर। सो दिस विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, सो लेट्स राइट डाउन सम होमवर्क। फर्स्ट, इफ द डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर एंड टाइम इज 4 आवर्स, कैलकुलेट इसके। सेकेंड, इफ द डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर एंड टाइम इज 10 आवर्स, कैलकुलेट स्पीड। दिस इज द होमवर्क। You all need to do it in your size notebook and then send it to the WhatsApp. Thank you.